नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे के सियासी रण में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर से सुर्खियों पर है। दरअसल सियासी विश्लेषकों का कहना है कि पायलट किसान आंदोलन के बहाने अपनी सियासी ताकत का एक बार फिर से एहसास करा रहे हैं। गौरतलब है कि किसानों के नाम पर न सिर्फ दिल्ली में इसकी तपिश नजर आ रही है, बल्कि इसकी तपिश अब राज्यों तक पहुंच गई है, जहां एक ओर देशव्यापी किसानों की ओर से चक्का जाम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी किसानों को अपने स्तर से लगातार समर्थन दे रही है। लेकिन इन्हीं सबके बीच जो सचिन पायलट का किरदार है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट अब किसानों के मामलात पर मुखर होकर सामने आ गए हैं। लगातार वो महापंचायतें कर रहे हैं। कल उन्होंने राजस्थान के दौसा में महापंचायत की, जहां हजारों की तादाद में भीड़ एकत्रित हुई। लेकिन पायलट की ओर से की जा रही इस महापंचायत के अब सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि पायलट इस बहाने अपने सियासी विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हैं कि सूबे की सियासत में आखिर उनका वजूद क्या है। क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो मौजूदा स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि लगातार बात कही जा रही थी कि राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी, मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, और जो पायलट कैंप के जो नेता हैं उनको एक बार फिर से तवज्जो दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश प्रभारी अजय माकन आए और उन्होंने ये बात कह दी कि कोई डेडलाइन नहीं है राजनीतिक नियुक्ति की, अब बजट और उपचुनाव के बाद होगा। और जाहिर तौर पर सचिन पायलट बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया जाएगा, क्योंकि अजय माकन ने उनसे वादा किया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, लिहाजा इस मामलात को लेकर जो पायलट कैंप है उसमें बदस्तूर खलबली मच गई थी। लिहाजा कहा जा रहा है कि पायलट अब किसानों के बहाने जो अपनी ताकत है उसका एहसास जो विरोधी नेता है उनको करवा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस किसान महापंचायत के बहाने सचिन पायलट एक बार फिर से प्रदेश में मुखर हो रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से रोडमैप जो तैयार कर किया गया है किसान महापंचायत का, उससे जाहिर तौर पर ये साफ होता है कि पायलट प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे और वहाँ पर जो तमाम उनके नेता हैं उनके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे। लेकिन इस महापंचायत में, जो कि कल दौसा में आयोजित हुई थी, उसमें पायलट कैंप के एक विधायक है पीआर मीणा, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। पीआर मीणा जब कल सभा को संबोधित कर रहे थे, इस दरमियान उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का योग भी है और उनके अंदर जोश भी है। अगर सचिन पायलट को फ्री हैंड तरीके से कमान दे दी जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कुर्सी छीनने का मादा रखते हैं। जाहिर तौर पर पायलट कैंप के विधायक पीआर मीणा के इस बयान के जो सियासी विश्लेषक हैं वो अलग अलग मायने निकालने लगे हैं राजस्थान के सियासी परिदृश्य को देखते हुए। तो अब क्या ये माना जाए कि एक ओर जहां सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन के मौके से एक बार फिर से सियासी सक्रियता का रोडमैप तैयार कर रही हैं, तो वहीं सचिन पायलट भी मुखर हो चुके हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही दलों में जिस प्रकार से गुटबाजी और सिर फुटबल जैसी स्थिति बनी हुई है उससे सभी लोग वाकिफ हैं। लेकिन देखना यहाँ पर यह होगा कि जिस इरादे के साथ पायलट और पायलट कैंप के नेता किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, वो जो मनसा है वो साफ हो पाती है और जिस इरादे के साथ ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है वो सफल हो पाता है या फिर नहीं? क्योंकि तमाम जो विश्लेषक हैं या फिर पायलट विरोधी कैंप के लोग हैं वो इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं और अलग अलग तरीके से इस पूरे मामलात को देख रहे हैं। दोस्तों, डिफैक्ट इंडिया की टीम की तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर हम आपके समक्ष लेकर फौरन हाजिर होते रहेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।